फ्रेंड्स हम आए थे यहाँ पर अपना एक गोरांज की नाइट सूट लेने और एक आध सामान। ये इनका षड्यंत्र था, मुझे बुलवा के गिफ्ट खरीदवाया गया। हेलो दोस्तों, मैं विभा, विभाविश ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज भी मौसम सेम हो रहा है, सुबह से कोहरा लगा, अभी थोड़ी धूप आनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए मेरी बिस्की भी बिस्तर में बैठी हुई है। वैसे मोस्टली मैं इसको बिस्तर में बैठाती नहीं हूँ, पर आजकल बहुत ठंड हो रही है तो बेचारी ये इसको भी तो ठंडा लगता है ना, हमारी तरह जैसे हम लोगों को बहुत ठंडा लगता है वैसे इसको भी बहुत ठंडा लगता है। तो ये मेरे पास आ जाती है और कहती है कि चल मेरे को भी ऊपर चढ़ा दे बिस्तर। और ये बच्चों को कहते ना, बच्चों को कोई ठंडा नहीं लगता, तो इसको कोई ठंडा नहीं लगता। इसके लिए तो सारे दिन एक से होते हैं, बस हम ही को लगता है कि इनको ठंडा लग रहा है ना। अगर ये देखो उसकी शायद जल्दी उठो, जल्दी मारो, चलो मारो मारो मारो, उठ के करो, हो गया सेट हो गया, बॉल पकड़ो। दोस्तों सुबह से मौसम बहुत ख़राब था, पर लेकिन अभी बहुत अच्छी धूप आ गई है। और ये देखिए ये मज़े से धूप में, आज सुबह से धूप में बैठी थी, तब से धूप आई है। क्योंकि ना यार डॉग्स को बहुत ठंडा लगता है, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इसको टच करूँगी ना ये उड़ जाएगी, तो इसलिए मज़े से धूप में बैठी हुई है। आज सुबह से मज़े से बैठी हुई है, पूरी धूप सेक रही है। इसको प्राण वापस मिल गए, जिसके प्राण वापस आ गए। हमने कहा इसके इतनी ठंड हो रही थी कि हमने लगा था इसके के प्राण कहाँ चले जाएंगे, बेचारी के प्राण वापस आ गए फाइनली। यार आज हिल नहीं रही हो, देखो तो देखो कोई भी चले जाए उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कह रही डोंट टच मी। अरे इसे देखो ये चींटियां, अरे चींटियां कहाँ से आ गई? वो रखा होगा ना यहाँ पर, वो खाना बिल्ली का। तो उससे चींटियां आ रही थी। लेकिन जो भी है दोस्तों, आज बिस्की को बहुत मजा आ रहा है, आज वो पूरा एंजॉय कर रही है। उसको लग रहा है कि अरे यार कहाँ से तुम लोग आ जा रहे हो मेरे पास, धूप से तुम, मैं कह रही धूप के मजे तो मैं पूरे लूंगी, क्योंकि इतने दिन से मुझे इतना ठंडा लग रहा है। एक्चुअली डॉग्स को बहुत ज्यादा ठंडा लगता है ना, कहते नहीं हमारे पहाड़ों में कहते कुकरा जस्ट ठंडा है गो। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, और देखिए कितनी बेहतरीन मौसम हो रखा है। आज हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, तो हम लोग धूप इंजॉय कर रहे थे अभी तक। और अब हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? मार्केट। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। हुआ है बेटा, हरिद्वार नहीं जाएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली क्या है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, तो विभा ने कहा चलो मौसम अच्छा हो रहा है, उसको लालच आ गया तो हम भी चल रहे हैं। तो ग्रांच के लिए एक छोटा नाइट सूट देख लेंगे, क्या लेंगे? बीबी वाला नाइट सूट और बाकी थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी ले लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मार्केट। कहाँ जा रहे हो? बाय। दोस्तों हम लोग पहुंच गए मार्केट, मतलब मार्केट नहीं पहुंचे अभी, तो स्कूटी लगाई है बस वहां पर पार्किंग में। पकड़ लूंगा, थोड़ा वॉक करेंगे आज। आज हम शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ? टोपी ओपी पहन के आमा टाइप की? नहीं स्मार्ट लग रही हूँ, ऐसी बात है, सब पिंक पिंक पहन रखा है ये, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और दोस्तों देखो आज हम कितने अच्छे दिन आए, शनिवार के दिन, जिस दिन सारी दुकानें बंद है, देखिए सब बंद है, इधर इधर सब बंद है। शनिवार के भी नहीं मिलता है एक्चुअली, इनका वीक ऑफ फ्राइडे सैटरडे रहता है, तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है ना, इसमें गलती सारी इनकी है। आज हम, अरे फड़ भी मिल जाए वही बहुत है, फड़ मिलेंगे तब तो फड़ की शॉपिंग करेंगे ना। ये दीदी यहाँ पर से अपने टोपी लेने लग गई, क्या कुरान गिरना मत बेटा, तभी तो उसे पहन के रही हूँ, आ रही मतलब सर पे। और वाली बहन, वाली बहन वो नीचे तेरे पास है, सब तेरे पास ही है बब्बू। अरे ये यार लेकिन अच्छी लग रही है, अच्छी भी लग रही है, मोटी भी है पता है, ये मोटी भी अच्छी है, ये वाली ज्यादा अच्छी है, इससे ये भी ढीला हो जाएगा, मतलब इसका ये भी ढीला हो जाएगा। को नहीं बेबी आप ट्राई नहीं कर सकते हो ना, ये तो मम्मा का है,
ये मम्मा की कैप है। हाँ ले ले ये वाली, सही लग रही है। नहीं यही कलर सबसे अच्छा लग रहा है। और दीदी ने यहाँ पर ले ली है टोपी, देखिए। और दीदी कह रही मैं यहाँ पता नहीं क्यों आती हूँ, मैं जब भी पता नहीं क्यों आती हूँ, पैसा खर्च करने के लिए। और अभी लोग मफलर वाली टोपी देख रहे हैं, ये देखिए मफलर वाली टोपी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा काम से पैसे देने का है। देखिए यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है। दीदी कितने में बार्गेनिंग करी? कितने में कहाँ बार्गेनिंग करी, मुझे क्यूट दिखा रहे हैं। एक तो हमने भैया को उठाया, भैया हाँ, बैठे हुए थे। अच्छा, और जैसे हमारी की भीड़ आ गई हमारी तो ये तो आ गई है वे भाभी। एक तो हमारे आते थे लोग, ऊपर से हमने हमें ये डिस्काउंट नहीं दिया है। डिस्काउंट दिया, रख लो यार, अभी तुम मुझसे मांगोगे। चलो चलो अब हम कहीं और में जाते हैं। चलिए दोस्तों, मार्केट में सिर्फ मुझे एक ही चीज अच्छी लगी है, वो है मेरा बैग। ये देखो कितना प्यारा बैग है। और मैंने कहा पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही चीज अच्छी लग रही है, वो है मेरा बैग, बाकी सब बेकार बेकार है। दोस्तों हम शॉपिंग करने नहीं आते, वो देखो पीछे वो उसको चिप्स खाने है और वो अंकित उसको हम बैठ के चिप्स खिला रहे हैं, और मुझे राम लड्डू खाने हैं। वो देखो क्या कह रहा पता नहीं, वो आपने लड्डू के लाइफ बेकार है बेटा, बेकार। ये लोग जैकेट जैकेट ले रहे हो क्या? नहीं, ये हमने बहुत ले ली है। तो फिर अब क्या ले रहे हो? ऐसे कस्टमर है कि आज भी भूलते नहीं है दुकानदार। खतरनाक बार्गेनिंग करी होगी ना? ये आ गए हैं जीन्स जो मंगाए थे। और तुम तो जीन्स देख रही थी, तुम ये क्या देख रही हो? मेरी नजर ऊपर पड़ी हो, मैं नहीं देख लिया। ये सेम साइज होगा ना? हाँ। देखिए हम लोग जब भी मार्केट आते हैं तो घर में सर पे चढ़ जाता है और मजे करता है। ये देखिए, और पूरे रास्ते भर मुझे उसको उठा के घूमते रहना पड़ता है ना, है ना बेटा? एंजॉय कर रहे हो? ठीक हाँ। है, मुझे पता चला कि ये जीन्स, और फ्रेंड्स मुझे अभी पता चला कि ये जीन्स भाभी का के लिए नहीं, दीदी अपने लिए ले रही है, चीटर कॉक कहीं की। कह रही मेरी बहन ने पहनी तो मैं ही पहनूंगी। चीटर कॉक, चीटर कॉक। और देखिए फ्रेंड्स कितनी मुश्किल से हम व्लॉगिंग करते हैं जब भी हम बाजार आते हैं। मैं कितनी मुश्किल से करता हूँ सोचो, क्योंकि मुझे एक इसको पकड़ के लेना पड़ता है और इनके हर दो दो मिनट के स्टॉप पे रुकना पड़ता है, और फिर ये देखिए इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत कर अगर मैं व्लॉग बना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। यहाँ अलग चल रहा, यहाँ अलग ही चल रहा। फ्रेंड्स अभी विभा अपने लिए देख रही है कार्डिगन, और उसको चाहिए बैग। पति ने ना सुन लो 8,500 रुपए दे रखे हैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए। और इनको चाहिए बैगी बैगी। मैं तो कह रहा हूँ दो साइज बड़ा दे दो, अपने आप बैग हो जाएगा। दीदी आप भी ले लो। मेरा बजट फिनिश हो चुका है एक टोपी पे। एक टोपी पे क्या है ये? मेरा थोड़ा बर्थडे आ रहा है, मेरा थोड़ा बर्थडे आ रहा है, सही बात है। ये भी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा। दिस इज समथिंग व्हिच यू। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या देख क्या लेती हैं, और तब तक इन दोनों के बताओ पसंद आ रहा है। और ग्रीन डे, और ये देखिए कितने निकलवाए हैं इन्होंने, कितने कपड़े निकलवाए हैं। निकलवाए नहीं हमने, उन्होंने मैम ने निकाले हैं। She is a very good, क्या मतलब? सेल्समैन, सेल्समैन। गर्व ये क्या चल रहा है बेटा? चल
खड़ो जा, खड़ो जा कर गौरांश, खड़ो बेटा वहाँ पे स्टूल पे बैठा दो उसको। मैं कहाँ, वो बैठ ना जाए लड़का तुम्हारा, अच्छा लगा। हाँ बाबू पैरेट तो नहीं लगा, क्यों लगेगी पैरेट, हम पैरेट नहीं कहेंगे तो लगेगी भी, तो क्यों विंग्स लगा के लेना भी है। सबने मेरे फोटो में कमेंट, सबने मेरे फोटो में कमेंट कर दिया। अरे कैसे हैं फ्रेंड्स, हम आए थे यहाँ पर अपना एक गौरांज की नाइट सूट लेने और एक आध सामान और यहाँ देखिए, ये देखिए सामान सबसे ज्यादा लेकर गई यही है। और मैंने अपने लिए क्या लिया, और मैंने अपने लिए क्या लिया, चलिए ये इनका षड्यंत्र था, मुझे बुलवा के गिफ्ट खरीदवाया गया मुझसे। हमने कहा गिफ्ट खरीद खरीद, और दोस्तों जो जो मेरा जो जो मन में जा रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। अरे ये कार, कार, अरे अरे और इधर हो जा, ये कैसा कार है, आ जाओ। और जो जो मेरा ब्लॉग देखा है, मेरे चाहने वाले सब मेरे को मेरे 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 मन में डाला गया कि मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। और मैं इतने अच्छे मन की प्राणी कि मेरे मन में भी भाव आ जाता है, अरे बर्थडे आ रहा तो गिफ्ट भी देना हुआ। बाप रे, अरे अरे गिरा ना, फिर लगाऊंगी चपेट। चलो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बीकानेर वाला। दीदी तो शायद खाके जाऊंगी, दीदी तो घर जा रही है क्योंकि दीदी को बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है ना। ये देखिए देखिए, ये आपने गिफ्ट का कैसे निकाल रही है। अभी 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 इनको एक और बर्थडे पार्टी में जाना है, जान नहीं होता है रोज का हुआ, बीकानेर से छोड़ गए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते बीकानेर वाला। और चलो चलो आराम से चलो। क्या खाओगे फिर दीदी, आप भी बताओ क्या खाओगे। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए और ये देखिए, सॉरी 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 सॉरी, गलती, मैं नया ले आऊंगी, नया ले ली, वहां से वहां है नया है सॉरी, वहां से लेके मैं लेकर आ रहा हूं। तो आंटी मेरे बेटे को देख रही है और उधर वो अंकल और वो भी मेरे बेटे को देख रहे थे, कितना बदतमीजी खा रहा है। फ्रेंड्स, बीकानेर वाले से हम सीधे यहाँ गए विभागा। बीकानेर वाले में मन नहीं कर रहा था खाने का, तो देखिए हम पहुँचे हैं अभी लापिनोज पिज्ज़ा, और अभी हम यहीं पर ही पिज्ज़ा अपना रिलिश करेंगे। और मेरे बेटे को देखिए, मेरे बेटे की नई टोपी, घर दिखाओ, घर दिखाओ, घर दिखाओ, तो बेटा गंदी बात मत करो, देखो वाह, ये तो शॉपिंग करके पहनने भी लग गया। ये देखिए दोस्तों इसकी हरकत है, और फिर कह रहा मेरा सर चकरा रहा है, क्या हो रहा तुम्हारा। ये देखिए, ये घर तोड़ना है हमारा, ये जो शौक शौक सब उतार के बैठ गए हो। घर में क्या बन रहे हो, फ्रॉक बन रहे हो, आपने अपनी कैप क्यों उतारी, फ्रॉक बन गया हो, फ्रॉक की टोपी, फ्रॉक की जीप भी निकल गई है। यार यार दोस्तों, ये सब बच्चे ऐसे होते हैं, मेरा वाला कुछ स्पेशल है, स्पेशल है, नहीं। मैंने बहुत ही सारी शॉपिंग करी जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। शॉपिंग करने का सबको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। हम लोग मार्केट से घर आ चुके हैं, और विभा ने आपने जैसा दिखाई बहुत ढेर सारी शॉपिंग कर ली है। बर्थडे उसका अभी काफी दूर है और उसने अभी से शॉपिंग कर ली है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो कभी ना कभी करवानी थी। और ये देखिए इसका भी पेट वेट सब भर चुका है, और देखिए कितनी शैतानी मोड में आ चुका है। और ये हमारी विस्की जिसको कितना ठंडा लग रहा है, अभी उसको कंबल भी उड़ाता हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग हम यही कंप्लीट करते हैं, और अगर आपका हमारा
ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट। और मिलते हैं हम कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।